चोरी कर ली है, बट ऑर्डर मुझे रिसीव हो गया। सो गाइज हमारे सोफे सेट हो चुके हैं, ये देखो भाई भैया ने और मैंने सेट कर दिए हैं, और बस थोड़ी सी सफाई करनी है नीचे की। मम्मी है ना, मम्मी आज मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, क्या खाऊं? कुछ जो तेरा मन करे। मिर्च बताऊंगे, मुझे पता ही। हाँ भैया बता दो प्लीज। चटपटा नमक और मिर्च चाट ले। देखो मैंने यही कही ना, यही कहेंगे नमक और मिर्च बताएंगे। और नींबू चाट ले भाई, नींबू और नमक मिर्च चटपटा, तीन चीज मिला के और चीनी डालनी थोड़ी सी। वाह फिर तो ज्यादा टेस्ट आ जाएगा मुझे। आ रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग? होली से अगला दिन है आज भाई, होली कल निमट गई है, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ भाई। आज सुबह मेरा मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ भाई, ये डंडा देखो आप। रात विवाद हो गया हमारे घर में बहुत ज्यादा, ठीक है, विवाद हुआ है दो लोगों के बीच में, ठीक है, दोनों पार्टियां ये खड़ी हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद ही समझ जाओगे पार्टी पे डंडा उस पर फिरा जो ज्यादा हंस रही है। कौन सी पार्टी पे डंडा फिरा ये तो पता चले। मम्मा कौन सी पार्टी पे डंडा फिरा? रात दो पार्टियों में भैया यहाँ पे होली पे लड़ाई हो गई, लड़ाई विवाद हो गया भैया बड़ा, और डंडा फिरा बहुत दबे, ठीक है। डंडा वही रख के सोया गया है कि ये कभी भी बच जाएगा। देखो डंडा ही रखा भाई, क्या मम्मी डंडा ना फेरो तो क्या हाल मचाएगा? मेरी बड़ी बुद्धि। दोनों पार्टियों से बात कर लो, आप कुछ कहना चाह रहे हो? जब तुम दोनों जने यहाँ है ना, मैं क्या आवाज भी ना निकलेगी कहीं। आप क्या कहना चाहते हो? जब भी मांड लेंगे ना भी, मैं कि अब है सही, ये दूसरी पार्टी तो चुप पड़ गया। आप कुछ कहना चाहोगे अपनी सफाई में? डर है क्या अभी तुम्हारे मन में? ऐसा ही लग रहा है, देख लो आप किस तरीके से दूसरी पार्टी में कितना डर है, बोल भी नहीं पा रही है पार्टी। बोल लो कुछ। मम्मा आपकी चाय वहां रखी है, उठा लो आप। तो भाई दोनों पार्टियों को बैठाया है अभी, अब देखते हैं कि कुछ मसला हो, मतलब समझौता हो जाए दोनों के बीच में। हाँ जी आपका क्या कहना है? जो ज्यादा दबी हुई पार्टी है पे उससे शुरुआत करते हैं, गाल मलने वाली पार्टी, रात भी मले गए हो आप। आप हंस रही हो? क्या हो गया मम्मा? आपने क्या कर दिया? रिमांड ली थी मैंने। क्या लिया था? जोर से बोलो। रिमांड ली थी। ओके किस बात पे? बस थी कुछ बात, क्लस जावे है, परेशान कर रहे हैं। पार्टी बोल क्यों नहीं रही दूसरे से? डर है क्या इसके अंदर अब भी? है मम्मा? अभी का दिन तो डर रहना भी चाहिए, ये बिल्कुल उतार पा रहा है। हाँ जी पार्टी आप देख रहे हो डर का माहौल है दूसरी पार्टी में पूरा, समझौते के लिए। दादी फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड न्यू डे न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ज्यादा अच्छे हैं। गाइस पता नहीं भाई ने पहले ब्लॉग बनाया था उसमें हाय हेलो करी थी, यानी स्टार्टिंग हम मैं कर देती हूँ, और हम दोनों जा रहे हैं मेरे पुराने वाले कॉलेज। बस हमें अपनी वो लेके आना है, क्या लेके आना है हमें? माइग्रेशन लेके आना है, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज में कल डिपॉजिट करना है। भाई अभी पार्टी से समझौता नहीं हुआ है, अभी आगे मैं फैसला कराऊंगा, फैसले में बैठना है आज मुझे शाम को। ब्लैक कलर की कैप है क्या कोई? है ब्लैक नहीं, अरमानी वाली है, बोल मैं लगा मुझे दे दो। गाइस हम लोग घर से निकल गए हैं, और भाई मुर्से के जाएंगे क्या? मुर्से क्यों, वहाँ से क्यों नहीं कट करा? काम है कुछ। हमारे भैया भी हमें मिल गए थे और हम निकल गए घर से, बस एक डेढ़ घंटे में हो जाएगा, फिर हो जाएगी दो घंटे अभी एक बज रहा है, 3 मिनट तक हम लोग घर आ जाएंगे, है ना। और गाइस आज से ना शायद हो सकता है कि मैं एक अकेडमी ज्वाइन कर लूं, क्योंकि यार
मेरे को अच्छा लगता है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहना। पहले मैं जिम जाती थी तो जिम में क्या कर हम लोग जाते हैं तो ठीक है, फिर मतलब गैप हो जाए और मेरा ट्रैवल ज्यादा होता है तो फिर दिक्कत। तो और जिम में ना ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है मेरे को हिसाब से, ना जिम करने के लिए 2 से 2.5 घंटा लगता है, 15-15 मिनट आने जाने के, और 1.5 घंटा तो लग ही जाता है अच्छे से करते हैं अगर हम लोग एक्सरसाइज। तो इसलिए मैं सोचा कि डांस क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, वो बेटर रहेगा। हम लोग कॉलेज में आ गए और ये देखो भाई काफी सुंदर है, देखो शांति भी बहुत है अब। लेकिन हमें ये नहीं पता हमें जाना किधर साइड है, भैया पूछ के नहीं आई ये बात, आप पूछ के आओ किधर जाना है हमें। पर जगह काफी शांत और सुंदर है, हमारे कॉलेज की तरह नहीं हल्ला गुल्ला हो रहा है। दिशा अपने एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट ले आए, कुछ रहा तो नहीं है? कुछ नहीं, पढ़ लोगे अब मन लगा के? पक्का हॉस्टल में एडमिशन दिला दो, बस पढ़ लेना बस ध्यान से। आज जितना मैं यहाँ पे चली हूँ ना इतना कभी नहीं चले हैं भाई, बहुत चलना पड़ा यार, कभी यार। कभी फोटो कॉपी कराओ कभी कुछ, मूड खराब हो गया बहुत ज़्यादा। अब बस घर पहुँचते ही मैं तो निन्नू करूँगी, लेकिन इसे ये वाला जो मौसम है ना ये बात तो ठंडों में तो ठंड से नहीं करता और इस वाले मौसम में भी आलस आता है ना, तो ये मौसम का कसूर है, ये हमारा कसूर नहीं है भाई। ये देखो बड़ा भी बहुत है, बहुत चलना पड़ा था बहुत ज़्यादा, इतने में तो ना हमारे घर से शिवम लॉज से भी ज़्यादा, इतना तो शिवम लॉज आ जाता हमारे घर से। गाइस मैंने यहाँ से ये फूल चोरी कर लिए, बट यार ये बहुत अजीब सा है, छुपक कर आया, मतलब इसकी जो डंडी है ना वो भी ऐसे ऐसे करके हाथों में छुपक रही है, पता नहीं कैसे फूल दिखे। गाइस ये जो है डाल इसकी फूल को बचाते रखो। 2 hours later गाइस मैं वहाँ से आके जरा चली गई थी अपने भाई के लिए, और भाई के लिए क्या यार सबके लिए, मतलब खीरे और टमाटर लेने के लिए, क्योंकि यार खीरे मैं नहीं खाती, मुझे ना खीरे खाने से एसिडिटी बनती है, तो ये रहे हमारे खीरे। और इसके बाद ना मैं जाऊँगी पेट्रोल लेने का, क्योंकि उसकी छुट्टी में बिल्कुल भी ज़रा सा पेट्रोल नहीं है, तो इसी वजह से मैं पेट्रोल लेने जाऊँगी। क्या पता यार मेरी स्कूटी चल जाएगी, क्योंकि चली नहीं है काफ़ी टाइम से, ये हर बार ना आके ख़राब हो जाते हैं, तो आज मैंने डिस्कस करा है कि इसको सेल कर दें भैया और मेरे को एक नई स्कूटी दिला दें। तो इस बात पे अभी डिस्कशन जारी है हमारे घर में, क्योंकि हमारी एक बाइक भी काफ़ी पुरानी हो गई, तो मैंने कहा ये भी काम नहीं आती है, तो दो ये पुरानी चीज़ पे सेल कर देते हैं और एक मुझे स्कूटी दिला देते हैं। इसलिए मैं थोड़ी सी ऊपर रख देती हूँ, इसको मम्मी ले लेंगी। ये पेट्रोल लेके आ गई अब भाई, सबसे पहले अचार लेके गए थे हम लोग, क्योंकि अपना खाना लेके गए थे ना जब वहाँ गए थे मेरठ, बाहर का खाना आजकल हम अवॉइड कर रहे हैं। और वैसे भी यार फेस्टिवल पे सबके घर ही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो रहता है, मतलब जो एक्स्ट्रा बच जाता है तो वही सब अभी फिनिश करने पे लगे हुए हैं। और बाहर का मम्मी ने कुछ दिन खाने से मना कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन वाडा जाके तो होता ही है रोज खाना बाहर का, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि जितना अवॉइड कर सकती हो उतना अवॉइड करो। पहले पेट्रोल डालती हूँ अपनी स्कूटी में और चला के देखती हूँ चलेगी या नहीं। तो गाइस अभी तक स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हुई और पेट्रोल के बाद भी, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी, अब क्या करा जा सकता है। मम्मी मेरी तो स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, हो जाएगी पूरा, मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई यही मैं कह रही हूँ, नहीं ना तो पुरानी सेकंड हैंड ही दिला दो ठीक है। तो ये बाइक ये वाली वैसे भी काम नहीं आती, गंदी हो रही है, हाँ तो दो का सामान एक हो जाएगा, अच्छा वो काम भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें ना हर बार ये है कि धक्का लगवाओ या किक लगवाओ। खाना बनाया आपने? मैं भी खा लूँ। मेरे ये जो टैग लग रहे थे ना इसमें ये रहे। दीदी आपको यूट्यूबर गुजरा। अच्छा हाय। सो गाइस ये ना मेरे इसमें क्लोथ में ये लगे आ गए थे, भैया ने तोड़ ही दिया, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि टूटेगा, पर टूटे हुए। अरे शोरूम वाले लगा के थे ये ना, हमने कपड़े लिए ज्यादा तो ये रह गया लगा हुआ एक। कारण क्या हुआ इसे लगाने का? अरे अंकल ये ऐसा मत करो, खींच के टूट जाएगा, ये वैसे ही कपड़ा है थोड़ा सा। बिना ले आओगे तो बज्जा में। अच्छा चुरा के लाओगे तो ले लो, पकड़ना पकड़ो पकड़ो। सो गाइस ये फाइनली कहाँ पे था, इधर छेद वेद तो ना हुआ इसमें?
निकल गया आराम से। भाई ये कपड़ा थोड़ा वैसा है, इसको तो और आराम से निकालना। गाइस हमारे घर पर सोफे आ चुके हैं फाइनली, और ग्रीन और व्हाइट कलर के आए हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। छोटे वाले भैया भी थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी ना मुझे थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ना मेरे साथ अभी उन्हें थोड़ा सा सामान सेट कराना है इसलिए। और ये देखो भाई सामान ही सेट होता रहता है हमारे घर में, सच में पूरे दिन यही काम चलता है तब भी सेट ही नहीं हो पाता। सच बताऊं कितनी सफाई करता है मेरी मम्मी और मैं, बट अच्छा भी यार हम लोग बिजी रहते हैं। ये देखो यार कितना अच्छा काउच चाहिए। हाँ ये देखो भाई मेरे सारे भाइयों ने मिलके उठा लिया छोटा छोटा सो नहीं सोफा, कह रहे उठाना पंगे ना खुला रहा, खुलेगा ना डोंट वरी। देखियो भाई सबास आंदो आंदो। बेकार बता रहे तुम बहन बच्चों को। तो गाइस ये देखो हमारे ये सेट हो चुके हैं सोफे, और थोड़ी सी देर मेहनत कर रहे हैं बस। सो गाइस हमारे सोफे सेट हो चुके हैं, ये देखो भाई भैया ने और मैंने सेट कर दिए हैं, और बस थोड़ी सी सफाई करनी है अब नीचे की। मम्मी है ना, मम्मी आज मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, क्या खाऊं? कुछ जो तेरा मन करे मैं बताऊं। देखो मिर्च बताऊंगे मुझे पता ही। हाँ भैया बता दो प्लीज। चटपटा नमक और मिर्च चाट ले। देखो मैंने यही कही ना, यही कहेंगे नमक और मिर्च बताएंगे और नींबू चाट ले भाई। नींबू और नमक मिर्च चटपटा तीन चीज मिला के और चीनी डालनी थोड़ी सी। वाह फिर तो ज्यादा टेस्ट आ जाएगा मुझे। आ रही हूँ। ऑर्डर मुझे रिसीव हो गया और मेरा छुटकू थक के बैठ गया। ये सब तुम्हारा पर्वत का मुंह एक जैसा लग रहा है, उसका भी ऐसे लग रहा था, कलर में हो रहा था हरा हरा सा, ऐसे ही आपका हो रहा है। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है बहुत ज्यादा। मुझे बिगीज का बर्गर पसंद है बट उसका बिल्कुल नहीं पसंद। भैया भैया थोड़ा डार्क कलर लो। लेना क्यों बताओ मानना? बोलो बेटा। क्योंकि आंटी को सफाई करनी होगी और गंदे हो जाएंगे इस पर से। बस घर में सोफा है, हमने अपनी छोटी बहन को बुलाया कि बताओ अच्छे लग रहे हैं नहीं, अब हम लोग चेंज करेंगे। सच्ची में हम चेंज करेंगे, अब हम डार्क कलर ही लेंगे, ठीक है मानना? तो गाइस अब काफी टाइम हो गया भाई, टाइम क्या हो गया 11:30 बज रहे होंगे ना, और मेरा भाई खेल रहा था अभी। वो क्या खेल रहे थे? पबजी खेल रहे थे, और मम्मी डांट रही इनको कि खेल रही हो कि मम्मी, और मुझे पबजी की आवाज़ ही नहीं पसंद है ना मम्मी। और भाई अब मैंने कुछ हल्का फुल्का सा और घर का मम्मी से बनवा के खाया था, और भी बस दूध और पीऊँगी मैंने, क्योंकि जब से आई हूँ ना एक ही दिन दूध पिया है, ज़्यादा दिन मैंने दूध नहीं पिया, मुझे थोड़ी वीकनेस सी फील हो रही है, मुझे दूध पीना है। अब रात में पीऊँगी अभी तो, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। और अब करते हैं सोने की तैयारी। और गाइस ये मेरा आज का दिन था, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए सभी भाइयों को राधे राधे, मिलते हैं कल नहीं नेक्स्ट व्लॉग में।